नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक रावल ने बताया कि संगठन के द्वारा एक टीम बनाकर जिला स्तर पर झोले छाप डॉक्टर्स का सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि अचलपुर, सुहागपुरा, सेमलिया में गलत तरीके से ये डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते पाए गए, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां और उनका भंडारण था। तब संगठन के द्वारा एडीएम साहब को फोन करके सूचना दी गई, तो एडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने कहा कि पहले भी आला अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन आला अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतापगढ़ जिले को झोला छाप डॉक्टर्स से मुक्त नहीं किया गया तो संगठन को उग्र आंदोलन का रूप धारण करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में शामिल जिला संयोजक शिवनाथ योगी, जिला अध्यक्ष अशोक रावल, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा, प्रदीप मीणा, सचिव ईश्वरलाल यादव, जिला महासचिव अंकित बैरागी, जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम मीणा, जिला प्रवक्ता विनोद मीणा, लक्ष्मण मीणा, मनीष लबाना, जितेंद्र राजपूत, बाबूलाल मीणा, रामलाल मीणा, भीमराज मीणा, संगठन के आदि सदस्य उपस्थित रहे। क्या, कौन सा कोर्स कर रखा? डिग्री वगैरह क्या है आपके पास? कौन सा कोर्स कर रखा? क्या नाम है? प्राइम न्यूज 24 के लिए मनीष सेवा की रिपोर्ट।